आज हम मम्मी का घर आने लगे हैं गंजा कट, मदर्स डे का गिफ्ट मिल गया। क्यूट गाड़ी थी, हमारे बचपन में ही चलती थी ऐसी गाड़ी। अपने माँ बाप के लिए कुछ करो भाई साहब, बहन जी, आप जो भी हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं दे रही हूँ अपनी मम्मी को मदर्स डे का गिफ्ट, क्योंकि मदर्स डे तो निकल चुका है बट मेरी मम्मी को मदर्स डे का गिफ्ट चाहिए था। अभी चलते हैं मम्मी को मदर्स डे का गिफ्ट देने के लिए। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं आप मम्मी को मदर्स डे का क्या गिफ्ट दे रही हूँ। मम्मी को लेकर के आई हूँ हेयर कट करवाने के लिए, क्योंकि ये बहुत दिनों से बोल रही थी कि मुझे हेयर कट करवाना है। A few moments later. तो गए सैलों में, क्योंकि आज संडे है तो सैलों में बहुत ज़्यादा रश था। तो हम लोग अपनी अपॉइंटमेंट लेकर के आ गए हैं, 15-20 मिनट का टाइम है। तो तब तक मैंने सोचा कि मम्मी को कुछ और दिला देती हूँ, अगर इनको कुछ और चाहिए तो। चाहिए कुछ और? देख लेते हैं, मना नहीं करेंगे कभी भी, अगर बोलेंगे देख लेते हैं। मिल रहा है तो मना क्यों करूँगी। तो चलो अभी देखते हैं कुछ और अगर मिलता है इस मॉल में। तो वैसे इस मॉल में ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने का, बट हाँ शॉपिंग करने के लिए अच्छा है मॉल। मुझे एक पर्स भी लेना है, मतलब पर्स मतलब वॉलेट। अभी मैंने एक स्टोर पे देखा अपना वॉलेट, बट मेरे टाइप का वॉलेट कहीं मिलता ही नहीं है। अच्छा भी नहीं लग रहा। एग्जैक्टली इतने साल हो गए, कम से कम 2 साल हो गए मेरा वॉलेट ख़राब हुए। तो नहीं मिलता बिग बाज़ार में, नहीं मिलता वॉलेट बिग बाज़ार, नहीं है वो बाज़ार, अरे मैक्स है। बट मैक्स में भी मैंने बहुत ट्राई किया है, बट बहुत अच्छा स्टफ मुझे लगता नहीं है, स्पेशली वॉलेट में। उसके पास कोई ज़्यादा वैरायटी होती नहीं है। चलो आज मुझे फिर बिना वॉलेट के जाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख गया है बैगेट, तो मैं चेक करती हूँ अगर बैगेट में मेरे टाइप का अगर पर्स होगा। वैसे बैगेट में भी मेरे टाइप का पर्स है नहीं। मेरे टाइप का पर्स रेडियो पे ऑनलाइन मिलता है? ऑनलाइन नहीं है ना मम्मी, वही तो मैंने बताया कि ऑनलाइन नहीं, मतलब प्रॉपरली वैसा नहीं मिलता। नीचे मेट्रो भी है, मेट्रो से देख सकते हैं, वहाँ देख लो, बट चलो यहीं देखते हैं। छोटे बेबी है इसमें, होगा कोई कलर? कौन सा? ये बट मेरे को पिंक चाहिए ना। पिंक ही चाहिए मुझे। आई एम सो हैप्पी, मुझे बैगेट से मेरा वाला वॉलेट मिल गया है। मेरे टाइप का वॉलेट हर जगह से नहीं मिलता है, तो अभी यहाँ से मिल गया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं पता नहीं बैगेट के पास शायद नया स्टॉक आया, पहले भी मैंने बैगेट से बहुत बार ट्राई किया है, मुझे कभी भी बैगेट का स्टफ़ अच्छा नहीं लगा। मतलब स्टफ तो अच्छा था बट मेरे टाइप के नहीं है। मेरा थोड़ा सा चॉइस अलग है, नहीं एकदम अलग है, नखरे वाली है। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा फाइनली ये बैगेज से मेरा वॉलेट मिल गया है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस सैलों, तो वहाँ जा कर के अभी मम्मी की कटिंग करवाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ने कौन सी कटिंग करवाई। वैसे मम्मी एकदम सिंपल कटिंग ही करवाती है हर बार, कुछ नया नहीं है इसमें, बट फिर भी मैंने भी अपना कटिंग करवाना है। और बाल मैं अपने घर से ही धो के आ गई थी, और मम्मी भी अपने बाल घर से ही धो के आ गई थी, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा पैसे देने में सैलों में बिलीव नहीं करते। तो क्या फ़ायदा है एक्स्ट्रा पैसे देने का? हाँ, एक्स्ट्रा पैसे देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उन्होंने भी हेड वॉश करना होता है, बट मैंने सुना है कि हेड वॉश सैलों में अच्छा होता है, मैंने कभी करवाया नहीं है। तो एक दिन करवाऊँगी, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए हम लोग जा रहे हैं कटिंग करवाने के लिए। एक दिन करवाऊँगी फिर आपको बताऊँगी, फिर आपको बताऊँगी। मैंने हेड वॉश कराया गाइस। तो आज हम मम्मी का घर आने लगे हैं गंजा कट।
अभी हम माँ बेटी ने नया नया अपना हेयर कट करवा लिया है। मम्मी कैसा लगा हेयर कट करवा के? अच्छा लगा। और आपका मदर्स डे का गिफ्ट मिल गया? अच्छा अच्छा, मदर्स डे का गिफ्ट मिला है। मेरे तो सिंपल बस ट्रिमिंग थी, मम्मी की एक अच्छी कटिंग करवाई है हम लोगों ने, तो मम्मी को बहुत पसंद भी आई। वैसे मैं तो चाह रही थी कि मम्मी का टकला कट करा दूँ, बट फिर इन्होंने करवा लिया ओ कट लेयरिंग करवा ली। तो मैंने अपनी मम्मी को एक और गिफ्ट दे दिया है मदर्स डे का, जो है कि मैंने आज इनको खाना बनाने से छुट्टी दे दी है, तो मैं इनको आज डिनर में रोल खिला रही हूँ। थैंक यू। यार ये कितनी क्यूट गाड़ी थी, हमारे बचपन में ही चलती थी ऐसी गाड़ियाँ। हमारे बचपन में तो मॉल ही नहीं थे, वैसे थोड़े हम हो गए थे बड़े तब ये मॉल खुल गया था। ये छोटे थे तब थोड़े थे। ये पूर्वी दिल्ली वालों का ये मॉल खानदानी मॉल है, ऐसा कोई भी नहीं है जो इस मॉल में नहीं आया होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत पुराना मॉल है। नहीं, काफ़ी पुराना मॉल है, हम लोग छोटे छोटे होते थे तब से ये मॉल है यहाँ पे। मतलब बहुत छोटे नहीं होते थे बट ठीक ठीक छोटे होते थे। तो और कोई सेवा मम्मी? नहीं अभी कोई सेवा नहीं। और सेवा ले लो, फिर मदर्स डे निकल जाए, फिर कोई बात नहीं, अगले साल फिर आएगा। अगले साल कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। वैसे पता नहीं क्यों मम्मी को यहाँ की कटिंग अच्छी लगी, मगर हर जगह की कटिंग मम्मी को नहीं अच्छी लगती, बट ये वाले भैया की कटिंग अच्छी लगी। तो अच्छा गिफ्ट है ना? थैंक यू, शुक्रिया बहुत। आपका भी शुक्रिया। संडे को कहीं से टेक अवे करना ना इतना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा लगता है कि सारे जहान के लोग खाली वहीं आए हैं जहाँ पे हम लोगों को टेक अवे लेना है। कितनी भीड़ थी? बहुत ज़्यादा। इतनी भीड़। चलो फाइनली हम लोगों ने ले लिया, घर के लिए बहुत लेट हो गए हैं, तो अभी घर निकलते हैं फटाफट से। कटिंग करा के घर आ गए थे हम लोग वापस, और काफ़ी लेट हो गया है आज आते आते। एक्चुअली संडे था और बहुत भीड़ थी बाहर, यार मार्केट में ना बहुत भीड़ थी। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं गाइज, और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं बस आप लोगों से एक यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हर कोई, मतलब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट जो लोग नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करो। मतलब कुछ करो इन द सेंस कुछ हट के, जो उन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। या ये तो एक बहाना था आज मदर्स डे का, तो मैंने मम्मी को एक हेयर कट करा दिया। कुछ भी छोटा सा पैम्पर भी, माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं इस चीज़ से। और स्पेशली मेरी जनरेशन वाले लोग जो इन लेट 20s हैं और अर्ली 30s हैं, उन लोगों को तो स्पेशली अपने माँ बाप के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारी जनरेशन के जो माँ बाप हैं वो बेचारे घर की राजनीति में फंस के या फिर दुनियादारी में फंस के अपने बच्चों के लिए सोचते सोचते वो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई नहीं एंजॉय कर पाया, बट बहुत सारे, आई थिंक बहुत लोग मेरे से कनेक्ट भी कर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से। वो सब मत कीजिए जो आप लोगों को पसंद है, वो कीजिए जो आपके माँ बाप को पसंद है या उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। एक बार उनसे बात कीजिए, उनसे जानिए समझिए कि उन लोगों को क्या पसंद है या वो क्या करना चाहते हैं, वो उनको करवाएं। क्योंकि हम लोग अपना करवा देते हैं और माँ बाप खुश हो जाते हैं, ठीक है कि आपने करवाया, बट दिल से वो खुशी नहीं आ पाती। और दिल से खुशी कब आएगी? जब आप वो करवाएंगे जो उन लोगों को पसंद है। एक बार उनसे बैठिए, बात कीजिए कि उनको क्या पसंद है। जैसे मेरे मम्मी को आज हेयर कट करवाना था तो मैंने आज हेयर कट करवाया, कल को उनको कुछ और पसंद होगा तो मैं वो करवाऊंगी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो मुझे पसंद है वो उनको पसंद हो। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है। आगे आप लोगों से बहुत सारी अभी बातें करनी है, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है। और प्लस एक चीज़ और, मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि पहली बात तो उसने ये बोली थी कि अपनी हंसी को थोड़ा सा ठीक कर, तो हंसी तो भगवान की देन है, मेरी ठीक नहीं हो पाएगी। और बहुत लोगों को मेरी हंसी बहुत पसंद भी है, मेरी हंसी तो सॉरी ठीक नहीं हो पाएगी भाई साहब बहन जी आप जो भी हैं, क्योंकि उनका पूरा नाम भी नहीं लिखा हुआ था। और दूसरा उन्होंने बोला था अपनी मम्मी को ऐसा कौन बोलता है, तो मैं बोलती हूँ, आपने देखा मुझे बोलते हुए।
मैं बोलती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि घर में ह्यूमर क्रिएट करने से आधी प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। आप घर में लड़ाई झगड़े कलेश ये सब करोगे, उससे अच्छा है घर में ह्यूमर क्रिएट करो। ह्यूमर कैसे क्रिएट होगा, अब हम कपिल शर्मा तो है नहीं जो जोक्स पे जोक्स मारते रहेंगे, ऑब्वियसली हमें एक दूसरे का मजाक उड़ाना पड़ेगा। और एक दूसरे का मजाक उड़ा के मैंने अपने घर का बहुत माहौल ठीक किया है, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ कि बस हंसी खुशी ज़िंदगी निकल जाए, क्योंकि किसी को नहीं पता कौन कितने समय किसके साथ है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जितना भी जिसके साथ साथ लिखा है वो बस हंसी खुशी निकले। तो मैं मेरे साथ मेरे आसपास जितने भी लोग हैं मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि चाहे मैं उनका मजाक उड़ाऊँ या मैं अपना मजाक उड़ाऊँ या वो मेरा उड़ा दे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हंसी इज मस्ट। तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ घर में कलेश और फालतू की नौटंकी, तो मैं बिलीव करती हूँ खुश रहने में और खुशी बांटने में, दैट्स इट। तो आई थिंक आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा, एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो मुझे कमेंट करते हैं बट पर्सनली आकर के, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ पर्सनली तो ठीक है हम लोगों की बात होती है, बट यार यहाँ पे भी कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग पर्सनली कमेंट करते हो यहाँ कमेंट नहीं करते हो, तो लोगों को ऐसे पता चलेगा कि आप लोग मेरे से क्या क्या बात करते हो या मुझे कैसा अप्रिशिएट कर रहे हो। तो अगर किसी को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है, और आई थिंक अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं खुल पाई हूँ क्योंकि अभी नई हूँ, तो अभी मैं फैमिलियर हो रही हूँ कि कैमरा कैसे पकड़ते हैं क्या क्या करते हैं। एडिटिंग्स भी काफ़ी लेट हो रही है, मुझे लगा था कि एडिटिंग्स अच्छे, मैं तो एडिटिंग में प्रो हूँ तो मैं तो कर लूँगी, बट नहीं। टिकटॉक की एडिटिंग और ऐसे पूरा व्लॉग एडिट करना बहुत अलग बात है। तो हैट्स ऑफ टू एवरीवन जो भी यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाते हैं या किसी भी तरीके का कंटेंट बनाते हैं, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू प्लान अ कंटेंट, टू रिकॉर्ड इट स्पेशली इन पब्लिक। मुझे पहले लगता था कि यूट्यूबर्स पब्लिक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, बहुत आसान होता होगा यार कुछ नहीं, बट मुझे अब समझ में आ रहा है कि पब्लिक में रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली लोग दूर दूर से भी बस आपके ही कैमरा पर फोकस रखते रहते हैं, और स्पेशली तब जब आप मोबाइल से शूट करते हो। तो अभी आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो अभी मैं अपने मोबाइल से ही शूट करती हूँ, तो आई थिंक जब मेरे पास कैमरा आ जाएगा तब वो थोड़ा ईजी होगा, बट जब तक आप मोबाइल से शूट कर रहे हो बैक कैमरा से स्पेशली, सारे लोग आपको देखते रहते हैं, आपके कैमरा की तरफ देखते रहते हैं, और ऐसे देखते हैं जैसे हॉल में कोई जानवर आ गया है, या मतलब उन्होंने देखा नहीं है कभी ऐसा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आज का ज्ञान मेरा अच्छा लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों की क्या राय है, और अगर ये व्लॉग मेरा आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि आगे मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, थोड़े दिन के लिए ट्रैवल करने वाली हूँ, बट ट्रैवल करने वाली हूँ, तो उसकी सीरीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज, गुड नाइट।